Good morning, good afternoon, good evening, dear students. Standard 8, subject English, book name Honeydew, lesson number 5, the Sumimt within. Sumimt वैसे नेम होता है लेकिन यहाँ पर सुमित है शिखर. शिखर का मतलब चोटी. विदिन अंदर अंदर स्थित शिखर यानी कि आसमान और ज़मीन के बीच के अंदर जो चोटी है जिसको आप लोग वेरी वेल नो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की वो महान चोटी. हालांकि ये नेपाल में है जबकि केटू पर्वत हमारी सबसे बड़ी भारत की चोटी है. माउंट एवरेस्ट पे या मंगल ग्रह पे जोखिम भरी जीवन में जोखिम लेकर लोग किस प्रकार पहुँचे उनकी कहानियाँ आप लोग पढ़ चुके हो. चांद पे भी किस प्रकार लोग पहुँचे. अब यहाँ पर द सुमित विदिन मेजर एचपीएस आहुवालिया हमारे भारत के मिलिट्री के मेजर जो माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे और वो पहुँचने के बाद जीवन में वहाँ क्या क्या मुश्किलात आई उसका वर्णन कर रहे हैं. तो बेटे आप जानते हैं एक सिंपल समतल रोड पर जब हम पैदल चलते हैं 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर थकावट हो जाती है, थकान महसूस करते हैं. और आप कल्पना करें कि उस माउंट एवरेस्ट जो हजारों हजारों मीटर ऊंची है जहां पर कोई रास्ता नहीं जाता, जहां पर कोई सड़क नहीं जाती, जहां पर कोई मोटरसाइकिल नहीं जाता. कभी आप सपने में सोचें कि पहाड़ हैं, पहाड़ों को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ते हैं और जंगल में माउंटेनियन है, पता नहीं कितनी बर्फ़ होगी, ऑक्सीजन की वहाँ कमी होती है और कई बार तो 50 फुट ऊंचाई चढ़े और 50 फुट नीचे भी आ सकते हैं. और बहुत से माउंटेनियन परमात्मा को भी प्यारे हो जाते हैं लेकिन साहसी लोग जीवन में जोखिम उठाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं. उन्हीं में से आहुवालिया है. क्या कहते हैं, मेजर एचपीएस आहुवालिया वाज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965. मेजर आहुवालिया एक सफल पर्वतारोही जो ग्रुप था उसके सदस्य थे 1965 में. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, कि जब वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने कैसा अनुभव किया, यानी कि उस माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर सिर्फ नीला आसमान था और नीले आसमान के ऊपर परमात्मा स्वयं विराजमान थे. तो परमात्मा और आहुवालिया के बीच में केवल नीला आसमान था तो आप कल्पना कीजिए कि कितनी प्रसन्नता हुई होगी उन्हें. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन द वर्ड्स, उन्हीं के शब्दों में ये कहानी बयां की गई है. क्लाइंबिंग द सुमित, शिखर पर चढ़ना, एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द सुमित विद इन, और कितना मुश्किल कार्य है अंदर स्थित उस शिखर के ऊपर आपको विचार करना. इनके क्वेश्चन आंसर है उससे आप डिटेल कन्फर्म हो जाएगी. फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड ए मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब, यानी कि जो चढ़ाई थी उसमें किन किन गुणों का होना जरूरी है. आप अपने आप में ले लें कि विद्यार्थी के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, प्रॉपरली अपना काम करें, ओबी द पेरेंट्स, माता पिता का कहना माने, एंड स्पीक ट्रुथ, सच बोले. और ये 3 क्वालिटी होती है तो वो विद्यार्थी हमेशा जीवन में सफलता प्राप्त करता है. उसी प्रकार द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड ए मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम आर, तथा 3 प्रकार की जो चढ़ाई है उसमें गुण होने चाहिए. एडोरेंस, सहनशीलता, जिसको हम विद्यार्थी वहाँ पर तो एडोरेंस सहनशीलता वर्ड है और हमारे लिए आता है कि विद्यार्थी में पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, कुछ भी हो जाए उसमें धैर्य हो. एंड देन रेसिस्टेंस, दृढ़ता, संकल्प हो, आत्मविश्वास इतना हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि ये काम करना ही करना है जो मर्जी हो जाए. एंड देन थर्ड क्वालिटी, नीड फॉर द स्टूडेंट, फॉर एवरीवन, आप और हम सब को विल पावर. विल पावर का मतलब होता है आप में इच्छा शक्ति कि जीवन में हमने ये करना है
और जो ठान लेता है वो व्यक्ति हमेशा कामयाब होता है। व्हाट इज वाइज एडवेंचर, जो साहस होता है, विच इज रिस्की आल्सो प्लेजरेबल, जोखिम तो होता है लेकिन उसकी प्रसन्नता है वो कमाल की है। आपने देखा होगा जो विद्यार्थी सर्दियों में उस रजाई में गर्माहट को छोड़कर 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे उठते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, उन्हें भी बड़ा लगता है कि रजाई में आनंद लिया जाए, गर्मी का आनंद लिया जाए, बाहर निकलेंगे ठंड लगेगी, लेकिन उनकी जो विल पावर कहती है कि एक दिन, जैसे गीता में कहा गया कि काम करते जाइए, जब आपको परमात्मा फल देगा तब कितनी खुशी होगी, और जिस दिन रिजल्ट आता है और उस दिन पता चले कि वो टॉप क्लास में है, टॉप स्कूल में है, टॉप लोक में, तब उसे अपार प्रसन्नता होती है, वो भूल जाता है सब कुछ। उसी प्रकार एडवेंचर इज रिस्की बट इट इज प्लेजरेबल, जोखिम जरूर है यानी कि मेहनत करनी पड़ती है लेकिन प्रसन्नता ही प्रसन्नता मिलती है। व्हेन एडवेंचरस एक्ट इज डन इट गिव्स अ ग्रेट जॉय, जब आप कोई भी जोखिम भरा कार्य करते हो, अभी आप स्टडी करते हैं, इसको प्रॉपरली यदि 1 घंटा करेंगे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, आप प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और यदि टीचर्स द्वारा आपको गुड एक्सीलेंट और कहा ये कहा जाए कि बेटे आप शाबाश, तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है। वही सेम चीज़, इट गिव्स ए सेंस ऑफ बैटल फाट एंड वन, ये ऐसा लगता है कि जैसे हमने लड़ाई के युद्ध के मैदान में गए और युद्ध के मैदान को जीत लिया। देर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, विजय की और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड ई रिसिस्टेबल, माउंट एवरेस्ट के बारे में आकर्षित कैसे किया, यानी कि एक अपने मन में जागना कैसे हुई, क्योंकि हर एक की हॉबीज होती है। माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट द माइटेस्ट ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट माउंटेन ऑफ द स्केल, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। स्केलिंग, पर्वतों पर चढ़ाई करना, इज लाइक ए बैटल फाट एंड वन, अंडरस्टूड है कि लड़ाई के युद्ध के मैदान में जाना, और युद्ध के मैदान में जाते हैं तो मन में ये भी आता है कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और युद्ध के मैदान को जीतते हैं तो कितनी प्रसन्नता मिलती है, अंडरस्टूड है। वन डज नॉट डू इट क्लाइम ए हाई पीक, कोई भी व्यक्ति केवल मात्र प्रसिद्धि के लिए ऊंची चोटी पर नहीं चढ़ता, वास्तव में कोई व्यक्ति चोटी पर क्यों चढ़ता, कहता है क्लाइंबिंग ए हाई पीक, पीक भी चोटी होती, इज नॉट मेयरली फिजिकल, कहता कि केवल ये शारीरिक चढ़ाई नहीं है कि नाम या प्रसिद्धि कमाई जाए, लेकिन उस चढ़ाई चढ़ने के बाद में आप परमात्मा के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं, और उस ऊंची चोटाई पर चढ़ने के बाद में आप पूरे संसार के अंदर नीचे जो संसार निवास कर रहा है उसके कल्याण के बारे में, पृथ्वी के लोगों लोग जो रह रहे हैं वो आपस में मिलकर कहे कैसे रहे और कितनी प्रसन्नता और आनंद मिलता है, उसका वर्णन लेखक करना चाहता है। कहता है इट इज़ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, इट इज़ द इंटरनल लव फॉर द एडवेंचर इन ए मैन, आपस में भाईचारा, आपस में प्रेम, एक दूसरे की सहायता, ये सब चीज़ सीख कर मानव वापस आता है। ही बिकम्स कंसिस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स, दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ, विच इज़ द इमोशन, कहता है कि यह विस्तृत ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं छोटेपन के बारे में जागरूक हो जाता है, जागरूकता पहले पहले वर्णित की गई है जो आप लेसन थोड़ा सा पढ़ेंगे। दिस इज द इमोशन ऑफ ह्यूमिलिटी, कहता है कि ये मानवता की, ये विनम्रता की, ये धैर्य की, ये सहनशीलता की, ये सभी गुणों की एक भावना है। दल के सदस्यों द्वारा व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रिवरेंस लेफ्ट बाई द मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट, उसमें 4-5 लोग थे तो उस चोटी पर क्या क्या चीज़ छोड़ के आए वो बताते हैं। द आर्थर लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, जो लेखक हैं इस पाठ के उन्होंने गुरु नानक की तस्वीर वहाँ पर रखी। एंड रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस, एक देवी का मूर्ति वहाँ पर रावत ने रखी, जो दूसरे मेजर भी हो सकते हैं मिलिट्री के। फू दोरजी लेफ्ट ए रिलिक ऑफ द बुद्धा, और बुद्ध धर्म को मानने वाले जो आपके फू दोरजी थे उन्होंने बुद्ध की एक स्मृति पिंड छोड़ा। एंड एडमंड हिलेरी हैड ब्रीड ए क्रॉस अंडर ए रॉक, और हिलेरी ने वहाँ पर एक क्रॉस था, जो क्रॉस का निशान होता है बाइबल के अंदर है, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग इसे अपनाते हैं, वो चट्टान के नीचे रखा।
कहता है व्हाट इज द अकॉर्डिंग द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस इज एन एवरेस्ट टीच हिम, क्या उसको सिखाया, हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट प्रोवाइड हिम विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ डिफिकल्टीज विद डिटर्मिनेशन, कहता है कि हमारे जीवन में जितनी मुश्किलात आई हैं आती हैं उनका सामना दृढ़ निश्चय से किया जाए, और जितनी मुश्किलें आएगी और दृढ़ निश्चय से जब हम उनका मुकाबला करते हैं ये सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। जैसे अभी कोरोना काल में स्कूल कैंपस अलाउड नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि स्कूल ऐप से डिस्टेंस एंड डिजिटल एंड ऑनलाइन क्लासेस भी आप इजीली कर सकते हैं। यदि करने की चाहत हो तो हर इंसान असंभव को संभव बना सकता है। तो इसके पैसेज हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर आपने कंप्लीट कर दें, और सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर आते हैं, ये आपने कंप्लीट अपनी नोटबुक में लिखने हैं, इमेज में आपको ये चीज़ें मिलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।